ओके चलो। तो देखो आज का टॉपिक है हमारा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ओके ये टॉपिक आई होप तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, शांत, अशांत, इस टाइप का पढ़े थे। शांत अशांत पहला ही चैप्टर पढ़े थे रेलमंड में। फिर भी नहीं पढ़े तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी रिपीट हो जाएगा। पढ़े हो तो भी अच्छी बात है। देखो हम लोग अभी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार की बात करेंगे। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। क्या तरह का होता है? एक होता है शांत। क्या होता है? शांत। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, सारे बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए, पूरी तरह ध्यान यहाँ होना चाहिए, है ना? टर्मिनेटिंग का चीज, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल सुनो। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, चलो देखते हैं। शांत बताता हूँ पहले। शांत का एग्जाम्पल देखो पहले, जैसे 2.4, क्या चीज? ये शांत है। कौन सा? 2.4 से कैसे पहचान शांत है? डेसिमल के बाद अगर अंक बार बार रिपीट ना हो, यानी रैकरिंग का साइन नौ। जैसे मैं अब एग्जाम्पल दे 2.3 दे दो ऐसे क्या। ओके तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोलते हैं इसको। अशांत आवर्ती, क्या बोलते हैं इसको? तो ये भी रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, ये भी रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। दोनों रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। जैसे मैं मान लूँ यहाँ पे, हाँ चलो ठीक है, 1.4 देता हूँ ये, और ये तुम्हारा 1.3 है जैसे मान लो। ठीक है जी, ये क्या समझ आ रहा है? तो ये देख के पता चल जाएगा कौन टर्मिनेटिंग है, कौन कौन शांत है, कौन। जब भी अशांत बोलोगे ना, तो अशांत के साथ आवर्ती लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग इरेशनल नंबर की बात करते हैं और परिमेय संख्या की बात करते हैं, तो उसका होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग, यानी अशांत अनावर्ती होता है उसका। ओके लेकिन परिमेय संख्या का अशांत आवर्ती होता है। तो दोनों में फर्क है कि नहीं है? इसलिए तो शांत बोलेगा तो सिर्फ शांत से काम चल जाएगा, लेकिन अशांत जब भी बोलेंगे तो परिमेय संख्या के लिए यानी रेशनल नंबर के लिए शांत अशांत आवर्ती बोलना पड़ेगा। अशांत आवर्ती, जैसे ये अशांत आवर्ती है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रैकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या एक और नाम है नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, इस टाइप का। लेकिन जब इरेशनल नंबर की बात करते हैं और परिमेय संख्या की बात करते हैं, तो उसका अशांत अनावर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग। ठीक है, तो अलग चीज। अभी बात कर रहे हैं परिमेय संख्या की, रेशनल नंबर की, क्या समझा? तो डेसिमल का मतलब, तो डेसिमल के बाद ये कहीं ना कहीं से आया होगा ना, भाग करके आया होगा ना 1.4 जो भी है। चलो इसको तुम चाहो तो इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, 9th का पॉइंट टॉपिक है, लेकिन 10th में नहीं है, लेकिन इसको आता है एग्जाम में। तो इसको सीधे करो, डेसिमल उड़ा दोगे। क्या करोगे? डेसिमल उड़ा दोगे, क्या करते हैं? जितना अंक डेसिमल के बदले में एक बैठा दो, जितना अंक है डेसिमल के बाद उतना जीरो में लगा दो, तो एक अंक है जीरो लगा, काट दो आंसर, काटो। 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 2, दो कट जाएगा, आंसर कितना आया? इसको रहने दो वाला, पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया ना, आ गया। ऐसा पूछा हुआ है क्वेश्चन सब, क्वेश्चन काहे कर बारे बच्चा वाला बात हो गया। अब तुम जब भी 5 में 5 से 7 में भाग कर दे, आंसर कितना आता करके देख लो। कैसे क्या समझा ना? क्या सब कुछ समझ आया? डेसिमल हटाएंगे, नीचे एक लगाएंगे, डेसिमल बाद कहते हैं अंक है, एक अंक है तो 1 0 लगा, 2 अंक रहता तो इतना तो आता है ना। चलो ठीक है, 2 2 काट दिया, 2 × 7 = 14, 2 2 काट दिया। हमेशा दूसरा क्वेश्चन देख लो, कुछ क्वेश्चन तुम लोग बना लेना। तो ये हो गया क्या चीज़ बताओ? शांत। अब बात कर लेते हैं अशांत की। किसकी? मैं कुछ यहाँ पर होमवर्क लिख दूंगा, तुम लोग घर से अपना करके लिया ना। जैसे मान लो मैं तुमको बोलूँ 1 पॉइंट या 1 नेचुरल सर 0.25, कितना शांत है? क्या शांत है जल्दी बताओ? अशांत। अशांत कब आएगा? जब रैकरिंग का साइन होगा, रिपीट होगा बार बार, रैकरिंग का साइन होगा। ठीक है, समझा? तो ये शांत है क्योंकि इस पर कोई रैकरिंग का साइन नहीं है। शांत है, अशांत के लिए सीधे डेसिमल को क्या कर देते हैं? उड़ा देते हैं। तो डेसिमल उड़ाओ, 25 बचेगा, 0 25 लिखने दो ना। अब बच्चा नीचे क्या दोगे? बटे में क्या दोगे? डिवाइड में 100, क्योंकि 25 25, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 0 लगा देंगे। अब कट 25 होगा, कट जाएगा ना, 25 चौका 25 25 कैंसिल, आंसर कितना आया? जब तुम 4 से 1 में डिवाइड करते तो कितना आंसर आता? ये ना होता है शांत का मतलब होता है भाग लग करके पूरी तरह कट जाना, भाग लग करके पूरी तरह कट जाना। देखो ना, तुम अगर 5 से ही जो बनाए थे, नहीं बोला 5 से 5 में सॉरी 7 में 5 से भाग करते, तो 5 × 10 5 = 5, 5 =
कितना बचा इसमें? दो। जीरो बैठा देंगे, दशमल, पांचों का आएगा ना आया, आएगा ना आया। भाग खत्म हुआ कि नहीं हुआ? जब भाग खत्म हो गया इसलिए इसका नाम रखा शांत, शांत है, भाग खत्म हो गया, डिविजन प्रोसेस फिनिश्ड हो गया, डिवाइड लगना बंद हो गया। बट इसमें करेंगे तो भाग खत्म होते रहेगा, रिपीट भी होगा, क्लियर? भाग भी खत्म नहीं होगा, जब भाग नहीं खत्म होगा, डिवाइड खत्म नहीं होगा, उसके लिए लगाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है? अब भाग खत्म हो गया तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है? और रिपीट हुआ तो बोलेंगे रिपीटिंग, रिपीट नहीं हुआ तो बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। क्या समझ में आया? दो चीज अलग है, एक टर्मिनेटिंग अलग चीज है, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग एक दूसरे रिलेटेड है, और रिपीटिंग एक अलग चीज है और नॉन रिपीटिंग। समझ में आया ना? तो भाग खत्म हो गया यानी कि टर्मिनेट कर गया, भाग खत्म हो गया, भाग खत्म नहीं हुआ यानी टर्मिनेट यही मतलब है, बुझ गया आप? तो हमेशा जो बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू टाइप में, तो उल्टा देता है, डेसिमल एक्सपेंशन में देता है, बोलता है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो इसको, किसके रूप में लिखो, समझा? कभी कभी उल्टा भी दे देगा, तो भाग कर दोगे, दिखने से लड़ाई परमे संख्या है, इसको भाग करके निकाल दोगे, वो भी करना सिखाएंगे अभी, कैसे करोगे? क्या कोई डाउट किसी को? ये तुम्हारे बुक क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं मैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो, अब बात कर लेते हैं नंबर टू। नंबर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अशांत आवर्ती, क्या बोलेंगे अंग्रेजी में बोलते इसको? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? भाग खत्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, डिवाइड करना बंद नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। बट इसको बोलना पड़ेगा रिपीटिंग या रेकरिंग, रिपीटिंग या रेकरिंग, रिपीटिंग भी बोल सकते हो, रेकरिंग भी बोल सकते हो, रेकरिंग या रिपीटिंग, कोई दिक्कत किसी को? अब इसमें लकीर का साइन आएगा, एग्जाम्पल देख लो, कैसे 1.3 डंडा, डंडा दिख रहा हो? अब इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे बदलेंगे? ओके, पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे बदलते हैं? इसमें नहीं कि डेसिमल उड़ा दोगे, इसमें अगर डेसिमल उड़ाए तो अनर्थ हो जाएगा, तो इसके लिए एक्स मानते थे, याद है, एक्स मान के बनाते थे, एक्स मान लेते थे 100 से 10 से मल्टीप्लाई करते थे जितना अंक रिपीट। ओके, समझ आपको? अच्छा, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी 1.333 डॉट डॉट डॉट, अच्छा डॉट ना दे तो फिर ये इस कैटेगरी में आया, समझे? और डॉट दे दें तो आशांत हो जाएगा, क्या समझ आ रहा है? हाँ, डॉट ना दे, रेकरिंग लगा दें करके तो फिर यही रहेगा, क्या समझ आपको ना? दोनों में फर्क समझ आ रहा है? फर्क वाजे होना चाहिए कि क्या बोल रहा मैं, तो वन बन दे। अब इसको मैं, मुझे बदलना है पी वाई की को फॉर्म में, देखा इसका शॉर्ट ट्रिक मैं लगाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक में कुछ नहीं करना, 13 है ना, 13 लिख दो, मैंने रेकरिंग को हटा दो और डॉट को हटा दो, हटा दिए, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते, पहले दोनों तरीका बताते हैं, चलो दोनों तरीका बताते हैं, पहले तरीका देखो, तरीका क्या है, नीचे तो दिखाई देगा ना, क्या मानते हैं इसको, एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बाबू, पहले शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि ताकि हमको ऊपर बना पाए, बताओ शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि 13 लिख देंगे, डॉट हटा देंगे और रेकरिंग हटाए, अब माइनस क्या करेंगे, डेसिमल के इधर जितना भी बचा हुआ ना, मैंने रेकरिंग वाले को छोड़ देंगे, रेकरिंग वाले को बचा क्या, घटा देंगे, और नीचे हमेशा 9 लिखेंगे, 9 हमेशा 9 लिखेंगे, जब भी एक अंक रिपीट करे ना तो नीचे क्या लिखोगे, 9, दो अंक रिपीट करे तो 99, 3 अंक रिपीट करे तो 999, इस तरह याद रख लो, ठीक है? यह तब 3 में से 11 कितना हो जाएगा, 13 में से 11 कितना हो जाएगा, 12, काटने तो आता ही होगा, 3 चौका 12, 3 3 कितना आंसर आया? अब तुम 4 में जब 3 से डिवाइड कर देना, डिवाइड कर देना, तो 3 एकम कितना बचा, दिख रहा है, दिख रहा है जी, हाँ दिख रहा है, नीचे और आएगा, फिर 0 बैठाएंगे, अरे 0 बैठाएंगे डॉट को दिक्कत, हाँ फिर माइनस लगा देंगे, 3 3 फिर 1 बच गया, दिख रहा है, दिख रहा है, चलो फिर 3, फिर 10 लेंगे, फिर 3, फिर 3, फिर 3, माने यहाँ से डिवीजन खत्म नहीं हो, इसलिए 3 3 3 3 आ रहा है, ठीक है, 3 3 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर देख लो 1.3 आया था ना, इसी को बोलते हैं, क्या समझ आया आपको? तो इसको उतारने की जरूरत नहीं, समझा दिया मैंने, एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखोगे, जैसे 0.6 है, 0.6 रैंकिंग है, 6 रैंकिंग कैसे करोगे बताओ, 6 इसे हटाओ, क्या बचेगा, 0.6 डॉट को हटाओगे, 6 को हटाओ, बताओ क्या बचेगा, 6 0.6 यानी 0 नहीं लिखना, माइनस, अब रेकरिंग वाले को छोड़ दो, क्या जीरो, अब बट्टा नीचे का लिख दो, क्या नीचे फिक्स है, 9, एक रहे, एक बार रिपीट होगा तो 9, बता आंसर क्या आएगा, 6 by 9 काटो, 3 3 9 और 3 2 9 6 कितना आंसर आया, 2 by 3 आगे ना आंसर आ गया, इसलिए समझाया, और नीचे दिखेगा जी, चलो तो 9 बड़ा
न लिखेंगे, जाओ रिकॉर्डिंग यहाँ लिख देते हैं क्योंकि जगह थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है। कोई दिक्कत किसी को? चलो यहाँ आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, तीसरा एग्जाम्पल देख लो। ए देख रहे हो? देख रहे हो? हाँ। उसके बाद हाँ एक और तरीका से इसको बदल सकते हैं, लेकिन छोड़ो ये शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। एक और तरीका तो एक और क्वेश्चन मैं बताऊँ, एक और क्वेश्चन जैसे तुम लोग ये एनसीईआरटी में 10th क्लास में बनाए, 9th क्लास में 0.47 याद है। अब इसमें क्या है, गौर सुनना, या इसमें ये क्या है जो ये वाला क्वेश्चन में उसमें क्या फर्क है, इसमें सिर्फ रिपीट करने वाला डेसिमल के बाद था, डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीट करने वाला था, बट यहाँ पर डेसिमल के बाद ऐसा भी नंबर है जो रिपीट, सात तो रिपीट कर रहा है, सात ही मेरा रैंकिंग है, सात पर रिपीट कर रहा है, सात पर रिपीट कर रहा है लेकिन फोर रिपीट नहीं कर रहा। इस केस में नाइन नहीं ले, नाइन नहीं जी, नाइन पर जीरो लगाना पड़ेगा, नाइन लेंगे लेकिन जीरो लगाना पड़ेगा, 90 लेंगे, 900 लेंगे, ठीक है 9000 लेंगे, ऐसा करके। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद क्या अंक है, दो अंक है ना, दो अंक लेंगे लेकिन दो अंक में एक एक नाइन लेंगे एक जीरो लेंगे, 99 नहीं लेंगे, 99 तब लेते जब दो रिपीट करता। ओके तो यहाँ पर क्या करोगे, तो शॉर्ट ट्रिक देखो, क्या लिखेंगे, 47 लिख देंगे, और रैकनिंग वाला हटाओ, रैकनिंग वाला हटाना है, रैकनिंग वाला 04 पॉइंट वन नहीं लेना यार, रैकनिंग वाला हटाओ तो सिर्फ 4 लिखेंगे, ठीक है। अब भाई नीचे लिख देंगे 90, चुपचाप कहो 90 का लिखे सर, 9 इसलिए लिखे क्योंकि एक रिपीट कर रहा है, और जीरो लगाया क्योंकि एक रिपीट नहीं कर रहा है, डेसिमल के बाद के लिए लगाया था, डेसिमल के पहले के लिए। अब आंसर आ गया 43 बट्टा, कटेगा तो कर देना, नहीं कटेगा तो और एग्जांपल दे, ये सब शॉर्ट अब तुमको ऑब्जेक्टिव में आएगा, इटेंड कर रही है, मैं बता रहा हूँ, मेरा शौक है इसलिए बता रहे हैं, शौक है इसलिए बता रहा हूँ। हो गया, समझ में आ गया? तो पहचान में आ गया कौन टर्मिनेटिंग और कौन, बुझ गए, बुझ गए। अब तुम 90 से भी डिवाइड करते रहते, 43 होता आंसर आता, 7 रिपीट होता बार बार, समझे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये अब उल्टा देंगे सर, हम तुमको ये देंगे अब पहचानने के लिए बोलेंगे, बताओ टर्मिनेटिंग है कि नॉन। तो पहले क्या करो, आराम से पहले बताओ, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, एक शांत एक अशांत आवर्ती, टर्मिनेटिंग फर्स्ट काइंड हो गया, एक टाइप का हो गया टर्मिनेटिंग, दूसरे टाइप का हो गया टर्मिनेटिंग नॉन, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग माने भाग खत्म नहीं होगा लेकिन अंक रिपीट करेगा। ओके नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग या रिपीटिंग भी बोल सकते हो, इसको नोट करो ढंग से नोट करो। अच्छा ये बताओ तुम लोग कुछ बताओ, 1 पॉइंट सुनो ना, देखते तुम लोग जवाब देते हो, 3 3 बताओ ये शांत है क्या, शांत है, जोर से बोलो, शांत है, न रिपीट कर रहा है, ये मत बोला सब 3 तो रिपीट कर रहा है, तो डॉट डॉट के दिए हम, लकीर का साइन दिए, रेकॉर्डिंग होना चाहिए, रेकॉर्डिंग का साइन नहीं दिया मैंने, हाँ डॉट डॉट देते इसे, हाँ तो शांत आवर्ती है, बुझ गए अब, बुझ गए। अब उल्टा कर दे देगा कभी कभी, कभी कभी कि तुम बोलेगा बताओ पहले क्यों गए, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, शांत है लेकिन ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, शांत है लेकिन, यानी परिमेय संख्या का क्या है बच्चा, दो बच्चा, एक शांत वाला बच्चा एक, तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी रेशनल नंबर 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 है, और ये भी सिंपल सवाल, दोनों सभी रेशनल नंबर है यहाँ पर, लेकिन जब अशांत अनावर्ती की बात करेंगे ना, जैसे एक अंक होगा इस टाइप का, देखो ना 1.01011 याद है, थोड़ा सा धुंधली धुंधली याद आ गए होंगे, बस 200 साल पहले पढ़े हो, 200 साल पहले, और डॉट लगाएंगे, ठीक है डॉट देना तो अनिवार्य है, देखो एक गो एक बढ़ रहा है, दो गो एक हो गया, तीन गो, तो इसको बोलते हैं ना भाग खत्म हुआ, ना रिपीट कर रहा, ना भाग खत्म हुआ, ये मतलब सर रिपीट तो कर रहा है, अंधा आदमी बोलेगा रिपीट हो रहा है, ये फिक्स नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, एक बार फिर दो बार फिर तीन बार रिपीट नहीं बोलेंगे इसको, सेम नंबर बार बार आता ना, एक के संख्या में आता तब बात करते हैं, तो ना रिपीट कर रहा है, ना भाग खत्म होता, नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि भाग खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन परिमेय संख्या कितना बच्चा है, तो उल्टा भी देगा, दोनों बच्चा देगा, बोलेगा किसका बच्चा बताओ, समझे, हाँ ये चीज है, बुझ गए,
नॉट जोकिंग, नॉट जोकिंग, नोट करो, चलो नोट करो इसको, सबको नोट करो ढंग से, ढंग से ऊपर में पे आते हैं। ओके चलो ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मिटाऊ मैं तो इस पैंट को ना अभी एक हफ्ता पहनूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कल धुलवाया मैंने इसको, अब मैं इसको एक हफ्ता पहन, और कोई बात नहीं है। ओके ये इस कंजूसी है ये, ठीक है बताओ डेली, लेकिन साफ सुथरा रहना, नहाना होना, एक्सरसाइज करना है तो बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना, चिंता मत करो। हो गया तो ये मैंने बताओ, परमे संख्या को दसवां प्रसार कितने प्रकार का, शांत और अशांत आवर्ती। अब मैं कैसे पहचानूं, बिना भाग के कैसे पता करोगे, मैं उल्टा करता हूँ, चलो ठीक है जी, मैंने लिख दिया है, नाइन्थ में भी मैंने पढ़ाया था, तो लोगों बिना भाग के कैसे करेंगे, तो वही करने वाले हैं, यही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट चलो कैसे करेंगे, कुछ रूल्स है, सुनो, ऐ सुनो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ऐ सुनो तो यार, बट सुन रहे हो, सुनो बाबू सुनो, 7/80 ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, क्वेश्चन पूछेगा ये साबित करो बिना भाग के, भाग नहीं करना है, जांच करो ये बताओ, ये 7/8 है मान लो, बस 3/8 कर दो, या 7/80 है, 7/8 है ना, आगे कर लेंगे, तो ये बिना भाग किए विदाउट डिवीजन इसको बताओ कि ये इसका दशमलव प्रसार, यानी ये बताओ परमे संख्या क्या, परमे संख्या है, इसको डाउट ना, रूट से बाहर है ना, परमे संख्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, समझे बात को, परमे संख्या यानी रैशनल नंबर। ओके तो ये 7/80 है, मुझे बताना है कि इसका दशमलव प्रसार, इसका डेसिमल एक्सपेंशन शांत है कि अशांत आवर्ती है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रैकिंग है, ये बताना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, नीचे वाले को प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, फैक्टराइज करो नीचे वाले का, कर दिया है? लेकिन ये बात याद ना कि दोनों कटना नहीं चाहिए, ऊपर नीचे कटना नहीं चाहिए, कटेगा तो काट के देख लेना पहले। ओके चलो बताओ, 7/80 ना कटता, काट ऑफ, अच्छा बताओ लास्ट में 0 है ना, नीचे वाले का फैक्टर करना, ऊपर वाले का सिर्फ नीचे वाले का, बताओ हो गया, ले लो तो 80 में क्या आया, 80 में क्या आया बताओ, 2 कई बार आया, 80 में 2 कई बार आया, 80 में 2/4 टाइम आया, 5 कितना टाइम आया, तो याद ना कि कभी भी किसी रेशनल नंबर में नीचे वाले का, यानी कि हर का, हर मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर का फैक्टर तोड़ो गया, उस फैक्टर में केवल 2 आए या 5 आए, 2 और 5, 2 आ जाए या 5 आ जाए, अकेला भी आ सकता है 2, अकेला भी आ सकता है 5, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा ना तो वो अशांत होगा, अशांत अनावर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रैकिंग। बट अगर 2 और 5 खाली आ जाए, खाली 2 और 5 तो कह दोगे शांत, क्या बोल दोगे, चाहे 2 अकेला आ जाए या 5 अकेला जाए, या दोनों मिल के आ जाए, कोई फर्क नहीं, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 13 आ जाए, तो वो अशांत होगा, क्लियर हो गया, कोई डाउट, अब भाई तो बोल दिए 2, 5, 3, अगर 2, 5 के अलावा कुछ भी आ जाए अशांत, ठीक है, 2 आ गया 5 आ गया 3 भी आ गया, क्या आ गया, तो अशांत, हम ये बोल रहे हैं कि 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए अशांत, क्लियर, चाहे 2, 5 आए या, लेकिन सिर्फ 2 और 5 है, या अकेला भी 2 है, या अकेला भी 5 है, उसके अलावा कुछ नहीं आया तो शांत होगा। ओके चलो तो अभी कभी बताओ, 2 और 5 के अलावा कुछ आया क्या इसमें, तो इसको बोलते हैं कि अपने फॉर्मूला बनाया गया कि 2 का पावर n होना चाहिए, 5 का पावर, या तो 2 आना चाहिए, या चाहे कई बार आए, इसको मतलब कई बार भी आ सकता है। ओके समझ आपको, तो बोलेंगे शांत या शांत है, तो लिखेंगे इसको कि ये 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए ये शांत है, क्या शांत है, तो लिखेंगे ये शांत है, शांत मतलब, शांत मतलब टर्मिनेटिंग है, भाग कर, क्लियर हो गया, मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत, कोई डाउट किसी को, एक और एग्जांपल देख लो, याद ना 2 सर कहोगे सर 2 का पावर n फॉर्मूला है क्या, 2 का पावर n 5 का पावर m, अरे मैं तो भाई तो बोल रहा हूँ कि केवल 2 आ जाए तब भी शांत, केवल 5 आ जाए तब भी शांत, 2 और 5 दोनों साथ आ जाए तब भी शांत, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को, तो 2 और 5 जो आएगा तो 2 का पावर कुछ ना कुछ आएगा ना, 5 का पावर कुछ ना कुछ आएगा ना, तो 2 कितनी बार आया 5 कितनी बार आया उसे कोई मतलब नहीं हमको, बस इतना देखना है कि 2 और 5 होना चाहिए, तो उसके लिए 5 जैसे n लिख दिया, m लिख, फॉर्मूला बना दिया गया, 2 का पावर n 5 का पावर m, n की जगह 4 लिख देंगे, m की जगह 1, यानी कि 2 का पावर को n बोला गया, 5 के पावर को m, n आगे पीछे कर सकते कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन आंसर में ऐसे लिखा हुआ 2 का पावर n 5 का पावर m, लिख दिया, क्लियर,
एक और एग्जांपल दो, ज्यादा क्लियर होगा। नीचे कर देगा, चलो जैसे सुनो, ए सुनो, जैसे 2/75 है, कितना है, कितना हो, किसको तोड़ोगे, 75 को तोड़ोगे, डिनोमिनेटर को तोड़ोगे, नीचे वाले को तोड़ोगे, फैक्टर बताओ, 3 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, द्वितीया 6, द्वितीया 6, दुगना ए, 3 6, 3 5 15, 5 5 25, किसको दिक्कत है क्या, तो 75 में देखो कितना बड़ा आया, 2, 75 में 2 कितना बड़ा आया, 2 है ही नहीं, 3 एक बार है, 5 दो बार है, तो 3 आ गया एक्स्ट्रा, तो इसको लिखेंगे नॉट इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 2 का पावर n, नीचे कर दो नहीं हो रहा, तो नॉट इक्वल टू 2 का पावर n और 5 का पावर m, लिख दोगे ये क्या है, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत आवर्ती बोलना जरूरी है, यानी अंग्रेजी में क्या बोलो, लिखा है, दिखा रहे ना बाबू, क्या लिखो अंग्रेजी में, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, किसी दिक्कत क्या, हाँ कोई दिक्कत किसी को, हाँ आसान है कि नहीं है, अगर 2 और 5 के बराबर तो लिख देंगे बराबर, लिख देंगे 2 का पावर 5 का, अगर 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया, 3 आ गया, ओके, अगर 3 नहीं होता ना तो फिर लिख देते, तो उसमें 2 का पावर 0 लगा देते, नहीं आता 2 तो 0 लगा देते, एग्जाम्पल एक और देख, तीसरा किसका, नॉन टर्मिनेटिंग, इतना गलत ब्लंडर है, स्पेलिंग पढ़ा रही है मुझे बताओ, ए गलत नहीं था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, अब किस, ठीक है, अब देखो तो, अब देखो ना सही कि नहीं, अगर इस बार गलती हुआ तो हम सर फोड़ लेंगे अपना, चलो ठीक है, हो गया जी, किसका क्वेश्चन करवाए, समझ रहे हो, ठीक है, मैंने ये बताओ बिना भाग के पता चला कि नहीं चल रहा है, रूल हो गया, माने परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है क्या शांत है, बिना भाग के पता कर सकते हो, हाँ लेकिन आंसर कितना होगा ये नहीं बता सकते हो, माने डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा, दशमलव बाद कितना आंसर होगा वो नहीं बता सकते हो, लेकिन कैसा होगा यही पूछा जाएगा, कैसा होगा, शांत होगा तो नेचर पूछा जाता है कैसा होगा, लेकिन कितना होगा ये नहीं बता सकते, उसके लिए फिर तुमको भाग करना ही, हाँ लेकिन बिना भाग के भी निकाल सकते हो शांत वाले को, शांत वाले को बताते हो कैसे, पहले वो टाइप 2 में जाए, टाइप 1 का क्वेश्चन है, कैसा बताओ, टाइप 1 का क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप 2 वाला अलग क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी में तुमको ये बुक में मिलेगा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1.4 है, चलो एक क्वेश्चन और करवाए, देख रहे बउआ, 3/16 देख रहे हो, इसको तोड़ो, चलो तोड़ो तोड़ो तोड़ो, 16 को तोड़ो, 2/4 जगह 2 का बड़ा है बच्ची, 16 2 का पावर 4, केवल 2 आया ना, शांत क्या शांत, कैसे हुआ ये पूछोगे, मैंने बोला था केवल 2 भी आएगा तब भी शांत, केवल 5 भी आएगा, 2 और 5 एक साथ है तब भी, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, क्यों कह रहा, अरे बुझली, तो अब 5 नहीं ना आया तो 5 क्या लिख देंगे, 5 ना आया तो 5 क्या लिख देंगे, जो नहीं आएगा उस 0 लगा सकते हो, कोई डाउट किसी को, देख रही हो क्या, ऐसे गौर से देख रही हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुमको ऑस्कर मिलना चाहिए इसको, ए ना निकल रही देखो, सिर्फ नीचे वाले का तोड़ना है, नीचे वाले का तोड़ कर ही पता चलेगा शांत की, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हम सिर्फ ये पता करना चाहते हैं कैसा है, कितना है ये पता करने के में इंटरेस्टेड, तो केवल नीचे वाले का डिनोमिनेटर का यानी हर का गुणनखंड तोड़ के देखेंगे, अगर उसमें 2 है तो शांत है, 5 है तो शांत है, 2 और 5 दोनों साथ आए तब भी शांत है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आता शांत है, क्लियर, अब हंसने पे मजबूर मत करना मुझे, तो फिर क्या लिख दोगे, शांत है।
शांत है, आवर्ती का बनती है, यहाँ टर्मिनेटिंग लिख दो, टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कर गया, हो गया, कोई दिक्कत किसी को? टच मी राइट नाउ, एनी प्रॉब्लम, यू फील एनी प्रॉब्लम? ओके अच्छा ठीक है जी, ए आई एम कुदिंग, यू आर मडिंग, ठीक है जी, मैं कूदूंगा तुम मर जाओगे, ऐसा अंग्रेजी जी बोल कर तो अच्छा अच्छा सर आ जाएगा। कोई दिक्कत है बता दो, जस्ट टच मी राइट नाउ, कोई दिक्कत किसी को? हमेशा नीचे वाले का यानी कि हर का ही गुणनखंड तोड़ना। पीछे वाले बच्चे जो सदमा में गए हुए हो, अटेंशन, जैसे लग रहा है कि अभी पत्नी का देहांत हुआ है, अभी सदमा में दिखावा के लिए, बाद में फिर दोबारा शादी करने के लिए तैयार है, खुश है, भले गई बुढ़ी। चलो पांच कितना हो रहा है बताओ, केवल नीचे वाले को देखना, ऊपर वाले इसको मतलब दो नहीं है ना इसमें, अब बस लिख दो, दो का पावर एन, पांच का पावर आगे पीछे हो सकता, दो भी पहले लिख सकते हो, पांच भी पहले लिख सकते हो, तो एन इधर भी लिख सकते हो और उधर भी लिख सकते हो, ए को एन दे दो तो ए को एन दे दो, सो दिस इज नॉट फिक्स, ओके बराबर लिख दिया, फिर क्या लिख देंगे, कुछ दिक्कत? लास्ट एग्जांपल करवा रहा हूं, ये घेर रहा हूं चौथा, लास्ट एग्जांपल करवाओ, अरे लास्ट करवाया है, काहे नहीं बाज रहे हो तुम लोग, मम्मी खाने को नहीं दिया है, नहीं खाइयो, नहीं खाइयो, डंडा खाओगे, आई थिंक यू फील इट, ओके चलो पांचवा देखो, देखो जी देखो कि का इतना हंस रही है, हंस रही है, कुछ क्वेश्चन और देते हैं, देखो सिक्स बाय, ए सुनना सुनना, सिक्स बाय 75, ये बताओ शांत है क्या, शांत है, वीडियो पॉज करके रफ रफ कॉपी में सॉल्व करो इसको, रफ कॉपी में, रफ कॉपी में बाद उतारना इसको, बताओ शांत है क्या, शांत है बताओ, चलो कितना बचा का जवाब चाहते हैं, जवाब चाहता हूँ मैं, अगर इस सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, अगर इस सवाल का जवाब दे नहीं पाए तो 75 को ऑलरेडी तोड़ चुके ना, तो तीन आ गया था ना इसमें, शांत है शांत है शांत है, तोड़ो 75 को, तोड़ो तोड़े, हाँ फिर से तोड़े, कहे ना मेरा मूड है तो कहना तोड़ोगे, ये अलग सवाल है, वो अलग सवाल है, तोड़ोगे नहीं, कितने तुम लोग लॉजिक कंजूस हो, हाँ है ना, आंसर क्या लिखोगे बताओ, तीन आ गए पांच आ गए पांच, आसान था ना, ही आसान तो नहीं, शांत है शांत है, मजाक नहीं कर रहे हैं सीरियसली, ये शांत है, मैंने बोला ना कि जो भी चीज करोगे पहले काट के देखोगे, आसान तो शांत बकरी हो, यहाँ सात से अस्सी नहीं कट रहा है, यहाँ दो से 75 नहीं कट रहा है, बट यहाँ छह में तीन है कि नहीं है, दो दिया छ, अब 25 दिया, हाँ मजाक कर दो सर लग रहा है, बताओ अब कितना आया होता, तो पांच का स्क्वायर हो गया, अरे हो गया, तो 25 नीचे जो है, 25 में पांच का स्क्वायर यानी दो का पावर जीरो आया, आया दो का पावर एन पांच के पावर एम का है कि नहीं है, शांत का शांत है, जो दिखता है होता नहीं है, कंसेप्ट समझो, इसलिए मैंने बोला पहले काट के देख लेना, जब मैंने ये सवाल स्टार्ट किया था ना तभी मैंने बोला कि काट के देख लेना, कटना अगर कटेगा तो काट के देख लेना, उसके बाद चेक करना नीचे वाले का फैक्टर तोड़ना, समझे, तो तीन से कट रहा था तो देखने में तो लग रहा था शांत था, लेकिन क्या हो गया, शांत, अब बुझ गया, अब क्यों तीन से कट गया, कोई डाउट किसी को, आप समझे, नोट करो आप, अब तो क्लियर हो गया होगा, हमको दिस इज फॉर योर होमवर्क, ओके ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन मैंने लिखा है तुम लोग के लिए, इधर ये सभी हो गया है, छः तक मैंने पाँच तक सॉल्व कर रखा था, और ये क्वेश्चन छठा सातवां आठवां नौवां दसवां सब में चेक करना है भाई, शांत अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोलते हैं उसको, रैकरिंग को रिपीटिंग भी बोलते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया था, क्या इसको मैं मिटा सकता हूँ क्या, अभी मत भागो, जैसे लग रहा है कि तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही है तुम्हारी, वाह क्या आएगा, उसको खाना खिलाएंगे अंडा खिलाएंगे, चट्टा कहीं का बताओ, मैं लिख दी सब लिख लेना, नोट कर लिए, बेसब्री से इंतजार हो रहा है, चट्टा बताओ,
मम्मी को बोलते हैं तुम्हारा ब्याह करवा देते हैं, चिंता नहीं करो ब्याह करवा देते हैं। हाँ कि किसी दिन अगर मान लो धोखा से ऐसी पत्नी मिल गए और अगर तुम उसका काम नहीं कर दिए बेलना से मारे, रोटी गोल नहीं बना, ऐसी पत्नी मिल सकती है। इसलिए बद्दुआ लग जाता मेरा, ध्यान से सुनो। अब टाइप टू आते हैं, किसमें आते हैं बच्चा? टाइप टू, उम्मीद करता हूँ कि उतार लियोगे टाइप वन। टाइप वन यही एनसीईआरटी का सिलेबस है, तुम्हारे पार्ट एग्जाम में खाली पूछेगा कि शांत है कि अशांत है। लेकिन कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता है कि ऐसा ना होता तो ऐसा होता, ऐसा हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो क्या, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन 7/80, ये पहला क्वेश्चन ये था ना, टाइप टू का भी पहला क्वेश्चन यही है। अब ये बोलेगा कि शांत है अगर तो इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करो। इससे पहले क्वेश्चन क्या था, पहला टाइप का क्वेश्चन था कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि शांत है कि, मतलब उसमें नेचर पता करना था, चेक करना था कैसा है। बट अभी क्या पता करना है कि कितना है, आंसर बताना है। अगर शांत है तो उसका दशमलव प्रसार निकालो। तो भाई 80 को तोड़े थे ना, कैसे तोड़े थे बताओ, याद है कि नहीं है? इतनी तो याद होगी, याद है बच्चों? ए बुबू, ए बुबू, ए बुबू, दुख काहे लगा रहे सर? कोई बात नहीं, हो याद है कभी कभी, मिस्टेक, इंसान ही तो हैं हम। 80 में 2 का पावर आया है, तो 2 का पावर एन, 5 का पावर एम के रुका है, इसलिए शांत है। क्या चीज है? व्हाट डू यू मीन बाय शांत? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, बोलो टर्मिनेटिंग। देखो ना, ए बुढ़ी हो जाएगी बुढ़ी, बताओ अब बाल बच्चा गाली देगा तुमको, ऐसा ही होता है, बदवा लगता है सर का। ओके, इसे लिखने का काम मत करो, अभी समझाने का टाइम है, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड ओके द कंसेप्ट। तो 80 लग दिया, शांत तो है, तो क्वेश्चन तुमका कैसे, टाइप टू में क्वेश्चन क्या रहेगा, अगर शांत है तो दशमलव प्रसार भी निकालो, यानी भाग करके आंसर नहीं निकालना, बिना भागे करके निकालना। तो तुम बिना भाग के भी डेसिमल आंसर बता सकते हो, लेकिन शांत वाले को ही, अशांत वाले को, अशांत वाले को फिर भाग करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना? चलो, तू नहीं पूछा जाएगा, तुम्हारा टाइप टू यही स्पेशल टाइप है। क्वेश्चन क्या समझे ना टाइप टू में, कि बिना लंबी प्रक्रिया बताइए कि शांत है कि अशांत है, या अगर शांत है तो उसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अगर टर्मिनेटिंग है तो चलो, तो क्या करेंगे, सुनो 7/80 को उतारेंगे फिर से। फर्स्ट टाइप हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट ये लिख रहे हैं कि दशमलव, बताओ 80 में क्या लिखे, 2 क्या बार है, 5 क्या बार है, इस दोनों पावर को बराबर करना। याद करो 9th में आज से 200 साल पहले पढ़ाया था मैंने ऐसा। ओके, दोनों पावर को क्या करना है, बराबर करो। कैसे करोगे, 5 क्या बार है, मतलब 2 क्या बार आया है, 4 बार, 5 क्या बार है, 1 बार, तो बराबर करने के लिए 5 को क्या बार बुलाना पड़ेगा, 3 बार। तो क्या करेंगे, अगला स्टेप में कर रहा हूं, अगला नीचे लिख दे, क्या लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, दिख रहा है 2 का पावर 4, अपने मन से 5 का पावर 4 कर देंगे अपने मन से, ताकि बराबर हो जाए, कबड्डी का खेल में बराबर होता है तो मारपीट अच्छा लगता है। तो अब 5 4 बार आया, 5 पहले से एक बार था, 5 पहले से एक बार था, तो कई बार बढ़ाए, कई एक्स्ट्रा बढ़ाए हो, तो 3 ऊपर लिखना पड़ेगा, बुझ गया। अब जितना एक्स्ट्रा लाओगे उसको ऊपर लिखना पड़ेगा। मान लो जब कभी 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 कहो 5 दो बार आएगा, ओके 5 दो बार है, 5 क्या बार है, तो 2 नहीं है, मान लो हमको 2 भी चाहिए और 2 कितना बार, 2 कितना बार, 0 बार है, 2 नहीं है, इसका 2 का बार कितना लिखोगे, 0। अब 2 का बार चाहिए हमको, 2 बार बराबर करने के लिए, 2 को बराबर करने के लिए 2 बार चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे, ऊपर भी 2 का बार 2 लिख देंगे। बुझ गए अब, बुझ गए, समझे कि नहीं? दिल पे हाथ रख के कसम नहीं खाना, 5 4 बार है, 2 बार है, बताओ 2 बार है, या ऐसा 2 4 बार है, 2 5 5 4 2 बार है, बताओ, अब बताओ कौन कम है, कम कौन है, 5 कितना कम है, 2 कम है, ऊपर चुपचाप 5 2 लिख देंगे, नीचे 5 का पावर बराबर करना नीचे, क्या समझा गया, जितने जो कम होंगे उसको उतना नीचे ऊपर दे देंगे, नीचे बराबर कर देंगे, बुझ गए। अब दिमाग में गया, भेजा में भेजाया, चलो ठीक है, अब बताओ दुपंचे, दुपंचे 10, 5 को 3 बार गुणा करो, 5 5 5 5 3 5 3 15, 5 5 5 15, अगर 5 3 15 बोलती ना अभी, हां तो सुसाइड कर लेते हम, दुपंचे 10 का पावर कितना,
नीचे दिखाता हूँ, नीचे दिखाता हूँ बाबू। चलो कोई बात नहीं, नीचे आ जाए क्या? 125 सत्य पढ़ आता है, सारे 1284। हाँ 1284 बारह सत्य 84 है, साढ़े 387। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पढ़ा पढ़ लिए सर हम, कर लिए, हमको आता है पढ़ना पढ़ने, समझे? अरे 125 को 7 से गुणा कर दिए, तुम्हारा काम कर लो तुम अपना, हम तो हम ऐसे भी करते, सभा का पारा पढ़ लेते, सभा दुरा रहा है, सभा किया पर चार कर पढ़ लेते, तो सभा का पारा भी पढ़ लेते, सभा 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 सत्य पौने नौ, सभा सत्य पौने नौ, अब चारों जीरो हो गए ना, 10 का पर चार हो गए ना, चारों जीरो, तो 1 2 3 5 एक हुआ 7 8, एक जीरो बैठाना पड़ेगा, कहे चारों का ना आंसर कितना आ गया, आ गया डिसमिल एक्सपेंस है ना, अरे आ गया ना, आ गया सब, कितना बच्चा समझ में आ गया, हाथ उठाओ जिसको नहीं समझ आया, बोलो हम गाली से गिरा देंगे, हम तुमको अभी बता रहे हैं, इतना मैंने बताया, हो गया ये टाइप टू आपका करो, एक सुनो ना, टाइप टू में सुनो, टाइप वन में जितना क्वेश्चन तुम लोग लिखो ना, जो शांत रहेगा ना, जो शांत सबको टाइप टू में क्या करोगे, नंबर एक के बाद नंबर दो लिखोगे, नंबर तीन लिखो, नंबर क्लियर हो गया, शांत रहेगा उसी को, ओके उसी में ऐसा काम करना है, नोट कर लो, जाएंगे तो इस पे रिकॉर्ड होगा, ओके देखो कहाँ पे पूछ रहे हो, यहाँ पे पूछ रहे हो क्या, अरे यार ये जो है ना चार जीरो कैसे आए समझ आ गया ना, 2 5 10 जितना पावर है कर दो, चार जीरो कर दिए, चार जीरो, अब क्या करोगे सुनो बच्चा, सब बच्चा क्या वो जीरो नीचे है, जितना जीरो है उतना अंक ऊपर होना चाहिए ना, जितना जीरो उतना अंक होना चाहिए ना, तो ऊपर क्या अंक है अभी बताओ, 1 7 8 तीन ही अंक है, हमको चाहिए कितना अंक, तो एक जीरो बैठा देंगे पहले, उसको फर्क पड़ेगा समझो उसको, तो जितना जीरो उतना अंक बैठाना पड़ेगा, तीन अंक पहले से है, अब बस खाली डेस्क में लगा कर यूज कर देंगे, क्लियर हो गया, बुझ गए, जैसे मान लो तीन ऊपर नीचे, मान लो कि नीचे सुना 10 ऐसे चार जीरो कितना जीरो है, चार जीरो क्या अंक होना चाहिए, कितना अंक होना चाहिए ऊपर, अरे चार जीरो तो कितना अंक होना चाहिए, तो ऊपर कितना अंक है अभी, एक ही है, तो तीन लेंगे फिर जीरो उठाएंगे, 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ फिर बैठा देंगे, आप समझा बात को, अभी भी नहीं समझा, पूछा करो पूछा करो, देवरानी और जेठानी के चक्कर में मत रहो, ठीक है, वो बस लिख लिया ऐसा बच्चा, ये अशांत अनावर्ती और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है बाबू, अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकिंग या नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, एग्जांपल दे इसका, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू में आएगा, किसमें आएगा, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला था ना तुम लोगों को, शांत का क्या डेसिमल एक्सपेंशन होता है, सॉरी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या प्रकार का, शांत और अशांत आवर्ती, ओके यानी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का है, टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रैकिंग, क्लियर हो गया, लेकिन इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कितना टाइप का होता है, एक ही टाइप का, कौन, अशांत अनावर्ती, ओके एग्जाम्पल इसका देख लो, एग्जाम्पल एमसीक्यू में पूछा जाएगा, जैसे एग्जाम्पल देख लो, पहला एग्जाम्पल या ना 2.30, सुन रहे हो 330 330 330, क्या हो रहा है, गौर कर रहे हो क्या हो रहा है, 1 3 2 3 3 3 इस तरह बढ़ेगा ना, 9 टर्मिनेट कर रहा है, 9 तो डिवाइड खत्म होगा और 9 ही रिपीट कर रहा है, रिपीट करने का मतलब होता है, रिपीट करने वाला होता है कि बराबर बराबर संख्या रिपीट होना चाहिए, तो ये नॉन टर्मिनेट, ये इस तरह का डॉट डॉट होना चाहिए, लेकिन डॉट डॉट नहीं रहेगा तो फिर काम नहीं बनेगा, फिर ये शांत बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये शांत हो जाएगा, फिर ये परिमेय संख्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा, क्या समझा रहा है, पहला एग्जांपल पाई के बारे में बताओ, जैसे सुनो एक 1 पॉइंट, सुनो सब बच्चे सुन रहे हो, 0.1 2 3 4 5 1 2 7 8 इस टाइप का, कोई पर्टिकुलर कोई नंबर रिपीट नहीं ना हो रहा है, डिवाइड भी खत्म नहीं होगा, ये भी कैसा है, अपरिमेय संख्या, जैसे तुम लोग सुना होगा पाई के बारे में, पाई के बारे में सुनो ना, 3.14 2 5 इसे 2 8 कुछ ऐसे करके होता है, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, ओके तो ये भी पाई भी क्या है तुम्हारा, अपरिमेय संख्या, क्या समझ आ गया, चौथा रूट टू का वैल्यू सुने हो, रूट टू का वैल्यू 1.414 डॉट डॉट डॉट, कोई रिपीट नहीं कर रहा इसमें, ये भी तुम्हारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन राइटिंग, सभी अपरिमेय संख्या है, कैसा है, तो अपरिमेय संख्या का पहचान देख लो, समझ में आ गया ना, एक नंबर फिक्स रहेगा, दूसरा नंबर क्या होता रहेगा, और कोई ऐसा भी ऐसा इस टाइप का भी हो सकता है, बिना रिपीट किए, मैंने कि बिना बार बार रिपीट आए हुए भी काम बनेगा, ठीक है, पहचान समझ आ रहा है, समझ गया, ऑब्जेक्टिव में आएगा, एमसीक्यू में देगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, क्लियर हो गया, चलो इसको नोट कर लो, जैसे एग्जांपल देता तुम लोग सुनो सुनो, जैसे मैं तुमको बोलूं बताओ 0.234 और डॉट डॉट लगाए, बताओ ये बताओ खुद बताओ, ये बताओ परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ना रिपीट हो रहा है ना भाग खत्म हो रहा है, हाँ इसी में मैं मान लो कि मैं ऐसे लगाता ऐसे, अब बताओ
रिपीट हो रहा है, यानी कि परिमेय संख्या भी हट रहा है, तभी क्या है परिमेय संख्या। क्या समझा गया? रेशनल नंबर। क्या कोई डाउट किसी को? उतार लो इसको, नोट कर लो। ये ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में आता है, पहचान लो आसान अनावर्ती का मतलब कैसे होता है। क्या लिख लो? पाई क्या है? पाई क्या है तुम्हारा? पाई और परिमेय संख्या। ओके, रहने दो आज के लिए, नोट कर लो बस, दैट्स ऑल। एक बार और बोल देते हैं। ओके चलो, इसी टॉपिक के साथ चैप्टर क्या हो गया? लिख लिया ना, हो गया खत्म। इसी टॉपिक के साथ चैप्टर अभी नहीं लिखे है, नहीं लिखा अभी तक। चलो हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, ठीक है? बोला गया उसमें।